Hello everyone, welcome once again. My name is Bahadur Mori and we are reached at this point, Jain temples, there has arrived. So I have to continue this chapter from this point. Jain temples. Jain temples are found at the various places of India and Vaibhav at Rajguru and Vipulchal, Ratnagiri, Udaygiri and Srimamgiri are 5 Jain temples. सी स्टूडेंट, ये जो पैराग्राफ है पूरा इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ है, इसमें डिटेल्स है जैन देरासन टेम्पल कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में, ठीक है। तो जो भी मेन पॉइंट्स होगा मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा। देर इज सिद्ध क्षेत्र पिलिग्रम्स इन द सामेत सिखराज बिहार आर इज नॉन एज द मधुवन आदिनाथ भगवान अदर 20 तीर्थकर्स अटेंड एंड निर्वाण देर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदा नाथाजी एंड प्रश्वनाथाजी भगवान महावीर रीच्ड हियर एंड मेनी सेजेस अटेंड द सेल्वेशियस एंड दैट मीन्स सेल्वेशन दैट मीन्स मोक्ष। देर इज अ जैन टेम्पल्स एट पालिताना एंड शंकेश्वर टेम्पल एट पंचासराय गुजरात। जैन टेम्पल एट देलवाड़ा माउंट आबू एंड रणकपुर राजस्थान आर एक्सेलेंट एंड वंडरफुल फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन कैविंग इन आर्टिकल स्किल एंड स्कल्पचर्स पॉइंट ऑफ द व्यू ए स्पेशल देलवाड़ा टेम्पल ऑफ आबू विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मिनिस्टर। इसको जरा हाईलाइट कर लो, देलवाड़ा टेम्पल ऑफ आबू विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मिनिस्टर विमल शाह आर विमल वशही एंड अदर मिनिस्टर वस्तुपाल कंस्ट्रक्टेड लूना वशही आर एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर्स। इस पैराग्राफ को हाईलाइट कर लो, ये दो लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंस है पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ से आप हाईलाइट कर लेना, वस्तुपल कंस्ट्रक्टर लोनावशाई और एक्सलेंट एग्जाम स्कल्पचर ये वाला, और यहाँ से देलवाड़ा टेम्पल ऑफ आबू विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय मिनिस्टर विमल शाह आर विमल वशही एंड अदर मिनिस्टर वस्तुपल कंस्ट्रक्टर लोनावशाई आर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर, ये इंपॉर्टेंस है। देन दीज आर द कंस्ट्रक्टेड विद द व्हाइट मार्बल, ये व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। दे आर फेमस इन इंडिया एज वेल एज द एब्रॉड बिकॉज ऑफ देयर एट्रैक्टिव मिन्यूट एंड आर्टिस्टिक वर्क ऑफ स्कल्पचर। दिस टेम्पल्स आर वंडरफुल एंड मेमोरेबल गिफ्ट ऑफ जैन रिलीजियस टू द इंडियन कल्चर। जैन टेम्पल्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस ड्यू टू देयर आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये इन दिस पूरा पालिताना को आपको याद रखना है, पालिताना उज द ह्यूज टेम्पल्स रिगार्डिंग टू द जैन टेम्पल्स। और दूसरा आपको याद रखना है ये वाला, ये वस्तुपाल और विमल शाह का जो टेम्पल बनाया है आबू में, ठीक है, माउंट आबू में, वो चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जैन टेम्पल सन टेम्पल ऑफ मोदेरा, ये भी इम्पोर्टेंस है, ये पूरा इम्पोर्टेंस है इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो पूरे के पूरा इम्पोर्टेंस है, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंस में लेना है, ठीक है, IRP में लेना है। मोडेरा टेम्पल इन गुजरात महसाणा डिस्ट्रिक्ट वॉज बिल्ट इन 1026 AD। तो ये जो मोडेरा टेम्पल है पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंस है, तो सभी लाइन इम्पोर्टेंस ही है, ठीक है। तो मोडेरा टेम्पल गुजरात में महसाणा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे आया हुआ है और उसको बिल्ड किया था 1026 AD में ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव वन ने, उन्होंने सन टेम्पल ऑफ मोडेरा को बिल्ड किया था, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड करवाया था भीमदेव वन ने, जो सोलंकी वंशज के थे। इन दिस टेम्पल अ जैम वॉज स्टडर इन द मिडल ऑफ द क्राउड ऑफ सन गॉड, यानी कि इसमें जो इसके मिडल में इस प्रकार के जैम रखे हुए हैं, स्टडर किए हैं उसको, स्टडर किया यानी उसको इस तरह क्या बोलते हैं इसको, कि उसको कंस्ट्रक्टेड किया इस तरह के कि सीधा सूर्य का जो वे है उसका रे है वो डायरेक्टली टेम्पल में आता है, इसके लिए इसकी वजह से इसको सन गॉड यानी कि सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर कहते हैं। The entrance gate on the eastern side of this temple is constructed in a such a way that the first ray of sun falls directly on the gem and because of it, the entire sanctum is light up. यानी कि उसका जो gem है, जो रत्न है, जो हीरो जिसको डायमंड बोलते हैं, gem इस प्रकार से उसने स्टर्ड यानी उसको अंदर रखा गया है उस मूर्ति में कि जो डायरेक्टली जो सन डायरेक्ट जो रे आता है सन का वो सीधे का सीधा उसके ऊपर फोकस होता है, पूरे टेम्पल में लाइट हो जाता है, ठीक है।
इसकी वजह से उसको सन टेम्पल बोलते हैं। और एक एक क्रिएटिंग द डिवाइन एटमोसफेयर, एक डिवाइन यानी भक्तिमय एटमोसफेयर क्रिएट कर देता है। 12 डिफरेंट इमेज ऑफ सन गॉड एंड इरोटिक स्कल्पचर आर द सीन इन दिस टेम्पल। द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज डन इन द ईरानियन स्कूल। ठीक है, इसको ईरानियन स्कूल को भी हाईलाइट कर लेना। तो ईरानियन स्कूल आर्ट में ये टेम्पल पूरा बना हुआ है। ठीक है, एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सन टेम्पल ऑफ मोढेरा स्कल्पचर कार्विंग इन विच फॉर्म, तो इट्स अ फॉर्म इन ईरानियन स्कूल, सॉरी ईरानियन स्कूल। ठीक है, देर आर 108 स्मॉल टेम्पल सराउंडिंग द आउटसाइड टंक विच क्रिएटेड द प्रेजेंट साइड ऑफ द डक एंड वॉल्स। ठीक है, डस्क एंड वॉल डॉन। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था सन टेम्पल का, पूरा पैराग्राफ 2 मार्क्स में आ सकता है, एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंस है। तो पूरे जैन टेम्पल्स के पैराग्राफ में सन टेम्पल ऑफ मोढेरा और पालिताना का टेम्पल्स और ये जो मैंने बोला ना आपको विमल शाह और वास्तुपाल का कंस्ट्रक्शन, वो चीज़ आपको मेमोराइज रखनी है। आगे है मिडवियल आर्किटेक्चर। द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉस्क्यू एंड मिनारेट, रॉयल पैलेसेज, ब्रिज एंड एंस एक्सेट्रा आर सेम इन द मिडवियल एज एंड द कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट कुतुब मीनार। इसको जरा हाईलाइट करो, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट कुतुब मीनार एंड कुतुल इस्लाम मॉस्क्यू, उनको हाईलाइट कर लेना। सिमिलर मॉस्क्यू नेम द ढाई दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ड बाई द कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। इसको भी जरा हाईलाइट करो, ये ढाई दिन का झोपड़ा है वो एक मस्जिद है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड कराए थे अजमेर में। ठीक है, राजस्थान अजमेर में। फिर उसके बाद है बंगाल में कौन कौन से, उसके बारे में देखेंगे। अदीना मॉस्क्यू है द पंडुआ रीजन ऑफ बंगाल एंड टॉम्ब ऑफ जलाउद्दीन मोहम्मदीन शाह एंड कांतीपुरा मॉस्क्यू वर कंस्ट्रक्टेड। दिस रीजन डेवलप इन द ऑन स्पेशल स्टाइल इन द फील्ड ऑफ द आर्किटेक्चर। जो भी इंपॉर्टेंस होगा मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। जौनपुर सुल्तान एंड तुर्की बिल्ड द अतला मॉस्क्यू, देयर इज आर्किस्टिक ग्रिल अराउंड द डन, द वॉल एंड द सीलिंग आर डेकोरेट विद मेनी इंडियन डिजाइन एंड इंक्लूडिंग द लोटस। मालवा में पेक्युलर स्टाइल ऑफ द मंडू बिल्डिंग्स एंड सीन इन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द सुल्तान्स एंड मेनी सच टॉम्स हैव बीन द क्रिएटेड ओवर दैट। द ह्यूज इम्प्रेसिव टॉम्स एंड कार्विंग बालकनीज इन द स्ट्रक्चर्स आर अट्रैक्टिव। स्टॉम एंड द होशंग शाह इज कम्प्लीटली मेड ऑफ द मार्बल इन द इंडियन स्टाइल एंड अदर प्रोविजेंस में है। बिसाइड दिस द रूलर ऑफ द कश्मीर एंड द बहामानी बिल्ड ऑफ द बीजापुर बिल्डिंग्स एट द बिदर एंड गुलबर्गानी एंड मद्रासा ऑफ मोहम्मद गवा टेम्पल ऑफ हम्पी विथला विचल्ला एंड स्वामी हजर रामा। गोपुरम्स एंड आर्टिक्स पिलर्स आर एज वेल नोन इज द विजयनगर एम्पायर। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है इस कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टेम्पल्स और आर्किटेक्चर हुए हैं। अभी जो इम्पोर्टेंस पैराग्राफ ये वाला है आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। ठीक है, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूडिंग द टेम्पल ऑफ द वेरियस रिलीजियस मॉस्क्यू विहार्स बुद्धिस्ट रिलीजियस मठ स्तूप क्षेत्र कैव टेम्पल्स जैन टेम्पल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है गुजरात में। ये पूरा पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बिसाइड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन यूजफुल फॉर द सोसाइटी लाइक रॉयल पैलेस फोर्ट डॉम्स गेट कीर्तिस्तंभ टावर ऑफ फेम। कीर्तिस्तंभ को टावर ऑफ फेम बोलते हैं। इंस यानी सेंचुरीज उपशरिया उषामास वरंडास स्काईलाइट यानी जरूखो वॉच टावर आर्केज वेल स्टेप वेल लेक मॉन्स फिगर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर। ये सारे आर्किटेक्चर गुजरात में है। यहाँ पे कीर्ति टॉवर वडनगर में आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंस है, इसको ज़रा याद रखना। ठीक है, तो ये पूरा आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात है, 2 मार्क्स की शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, तो देख लेना जरा। कीर्ति टावर ऑफ वडनगर, तो कीर्ति टावर कहाँ पर है, तो वडनगर में, ये याद रखना। टेम्पल कौन कौन से है, ये सोमनाथ टेम्पल है आप जानते हैं। टेम्पल इन द रिलीजियस फील्ड टेम्पल्स डिफरेंट रिलीजियस हैव बीन बिल्ट इन द गुजरात। दे आर अ टेम्पल ऑफ भद्रकाशी गीता मंदिर वेदा टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल जमलपुर रणछोड़राजी टेम्पल डाकोर सन टेम्पल मोढेरा हटेश शंकर महादेव टेम्पल वडनगर अंबाजी टेम्पल सामलाजी टेम्पल सोमनाथ टेम्पल जगत टेम्पल यानी द्वारका को जगत टेम्पल भी कहते हैं एंड बहुचौराजी टेम्पल महाकाली टेम्पल पावागढ़ स्वामीनारायण टेम्पल ब्रह्माजी टेम्पल खेड़ ब्रह्मा खोड़ियार माताजी टेम्पल भावनगर मठ ऑफ आशापुरा कच्छ एक्सेट्रा। ये सारे टेम्पल गुजरात के हैं। कौन कौन से मॉस्क्यू है वो देखेंगे। जामा मस्जिद नियर 3 दरवाजे अहमदाबाद, तो जामा मस्जिद नियर अहमदाबाद में आई हुई है।
सुल्तान अहमद शाह एक ने बिल्ट करवाया था मॉस्को को 1942 में, जिसको जरा हाईलाइट कर लेना। जामा मस्जिद से लेकर यहाँ तक मॉस्को इन 1424 एडी में इसने बिल्ड किया था अहमद शाह, सुल्तान अहमद शाह एक ने, ठीक है। इट हैज़ 260 पिलर एंड 15 डॉम्स, इसकी इन्फॉर्मेशन दी ये जामा मस्जिद की। अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सिद्दी सैयद ग्रिल विद द मिन्यूट कार्विंग, रोजा ऑफ सार्केस, शेकिंग टावर्स अहमदाबाद मॉस्क्यू, सेकंड टावर अहमदाबाद में मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिपरी विच इज ऑल्सो नॉन एज द मॉस्क्यू ऑफ नगीना। तो इसको जरा एडप्ट कर लो, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिपरी, इसको मॉस्क्यू ऑफ नगीना के लिए भी जाना जाता है। एंड जामा मस्जिद चंपानेर, जामा मस्जिद चंपानेर में भी है। देर आर मैनी सच अ मॉस्क्यू इन बिग सिटीज ऑफ गुजरात, गुजरात में काफ़ी सारे मॉस्क्यू सिटीज हैं। ये मॉस्क्यू वाला भी इंपॉर्टेंस है, आप जरा देख लेना। जैन टेम्पल, जैन टेम्पल हटी सिंह एंड खंबा खंबरिया एंड शंकेश्वर सिद्धगिरी एंड शेत्रुंज गिरी पालेताना, शेत्रुंज पालेताना एक्सेट्रा आर क्वाइट वेल नोन फ्रॉम द स्कल्पचर आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ द व्यू, ठीक है। देन स्टेपवेल ऑफ गुजरात, कौन कौन से, ये जो स्टेपवेल ऑफ गुजरात है ये पूरा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लास्ट के जो दो तीन पैराग्राफ है आपके एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंस है, गुजरात के रिलेटेड है तो गुजरात के स्टूडेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंस होना है, ठीक है। तो स्टेपवेल, अडाला स्टेपवेल ऑफ दादा हरी, तो अडाला स्टेपवेल दादा हरी ने, जो दादा हरी ने वाह अहमदाबाद में आई, ये जरा याद रखना। जो रानी स्टेपवेल ऑफ पाटना, रानी इन स्टेप, इसको भी हाईलाइट कर, इंस्टूडेंट पूरा स्टेपवेल है, पूरा इंपॉर्टेंस है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, वन लाइन के क्वेश्चन बना के आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो रानी ने स्टेपवेल पाटन में है, स्टेपवेल ऑफ दबोए, ये सारे तीन इंपॉर्टेंट स्टेपवेल है जो याद रखना। अडाला स्टेपवेल दादा हरिणी वाव जिसको बोलते हैं अहमदाबाद में है, रानीनी स्टेपवेल ऑफ पाटन है, ठीक है, और स्टेपवेल ऑफ डबोए में भी है, आर वेरी स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ द स्टेपवेल कंस्ट्रक्शन। तो ये तीन जो वेल है, वेल है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी देर आर मेनी बेस्ट स्पेसिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ द आर्किटेक्चर। तो पोर्ट ऑफ भद्रा, तीन दरवाजा, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक, अहमदाबाद, रुद्रमहाल, सिद्धपुर, रुद्रमहाल सिद्धपुर में आया हुआ, ये भी इंपॉर्टेंस है। इंसोडे पूरा स्टेपवेल गुजरात वाला इंपॉर्टेंस ही है। सहस्त्रलिंग लेक, पाटन, चोरी ऑफ सांभाजी एंड समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण, वडनगर, मुंसर लेक, विरमगाम, मलाव लेक, धोलका एक्सेट्रा, दिस आर्ट ऑफ द एक्ट्स ऑफ द डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ गुजरात। टूडे गुजरात शाइन लाइक अ स्टार इन द वर्ल्ड मैप बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट एंड स्कल्पचर ऑफ द आर्किटेक्चर एंड कार्विंग। तो अभी जो गुजरात की जो कीर्ति है जो शाइनिंग कर रहा है, तो ये जो कार्विंग है, आर्ट ऑफ स्कल्पचर है, वेल है, मॉस्क्यूज है, ठीक है, तोरण है, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंस है। स्टेपवेल ऑफ अडाला वाव है ना, तो ये पूरा इंपॉर्टेंस है, आप इसको आपको याद रखना होगा इसको। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, लाइनर स्केच ऑफ द मॉस्क्यू आर्किटेक्चर है, मॉस्क्यू आर्किटेक्चर होता है जो मुस्लिम में मॉस्क्यू आता है उसका आर्किटेक्चर है, किस किस चीज़ को क्या कहते हैं, पूरा है यहाँ पे दिया हुआ है। सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनर स्केच ऑफ मॉस्क्यू, तो ये याद रख लेना आप जरा। गलियारा द वे टू एंटर द एग्जिट फ्रॉम द मॉस्क्यू, द वे टू द एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मॉस्क्यू को क्या बोलते हैं, तो उसको गलियारा बोलते हैं, ठीक है। जो आने जाने का मार्ग होता है तो उसको गलियारा बोलते हैं मॉस्क्यू में। किबला द पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर इज द पार्ट ऑफ द मॉस्क्यू और होल होल और होल वॉल वेयर नमाज इज परफॉर्म, जहाँ पर नमाज की जाती है उसको किबला बोलते हैं, ये याद रख लेना। इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ काबा, काबा, ये काबा की डायरेक्शन में आता है हमेशा, जिस तरफ काबा होता है उसी दिशा में आता है, किबला बोलते हैं इसको। किबला के जहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद अदा करते हैं उसको किबला बोलते हैं, और मस्जिद में आने जाने का मार्ग होता है उसको गलियारा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है लिवन द रूम इन द मॉस्क्यू विथ पिलर्स, और मस्कुरा एंड ऑफ द मस्क्यू वॉल इज नॉन एज द मस्कुरा विच इज सेपरेट बाय द रेलिंग, इसका मस्जिद का जो एंड होता है उसको मस्कुरा बोलते हैं। महरब द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मस्क्यू वॉल विच इज ह्यूमन हाइट एंड इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्शन टू द मक्का इज नॉन एज द महरब, इसको जरा याद रख लेना महरब वाला, कि जो मक्का है उसको महरब भी कहा जाता है, ठीक है। इन इंडिया महरब इज जनरली कैप्ट इन द वेस्ट, तो इंडिया में जनरली महरब होता है यानी मक्का होता है वो वेस्ट साइड में होता है, ठीक है, ये वाला याद रखेगा। सहान भी इंपॉर्टेंस है, द कैंपस ऑफ द मॉस्क्यू वेयर द फ्लावर्स एंड इस्लाम गेट टूगेदर फॉर द प्रेयर इज नॉन इन द सहान, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था मस्जिद के बारे में। सो स्टूडेंट आई होप यू ऑल गॉट पॉइंट फ्रॉम माई साइड, एंड now in the history and this kind of chapter you have to memorize
through the, you know, through the make a short questions or make a listed question, then you can easily memorize every questions, and revision is most important. So I hope you all got all point from my side. So please stay home, stay safe, take care of yourself, have a nice day. Bye.